कुआं पुलिस को बड़ी सफलता मिली, उन्होंने नशे के लिए लूट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 5 दिन पहले बिचौली मर्दाना में देर रात इन दोनों बदमाशों ने एक कार सवार को चाकू और पिस्टल अड़ाकर उसकी कार और मोबाइल लूट लिया था और लूट के बाद वहां से भाग निकले थे। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई जगह चेकिंग पॉइंट लगा रखे थे। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि 3 इमली चौराहे पर कुछ लोग कार में नशा कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी अल्लू उर्फ शाहरुख निवासी फिरदोस नगर और उसका साथी आकाश निवासी फिरदोस नगर को पकड़ा और पूछताछ में गाड़ी के कागजात मांगने पर नहीं दिए, जिस पर उन्होंने अपराध करना स्वीकार किया। दोनों आरोपी नशा करने के आदि हैं। आरोपियों से लूटी गई गाड़ी और मोबाइल भी जब्त किया गया है और वारदात में उपयोग चाकू और देसी रिवॉल्वर जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। ये 5 दिसंबर की रात्रि करीब 11:30 के लगभग बिचौली मर्दाना ब्रिज के ऊपर एक अल्टो कार में सवार व्यक्ति से अज्ञात दो मोटरसाइकिल धारकों द्वारा जो है गाड़ी रोक के उनको बैकन वगैरह दिखा के और ये अल्टो कार उनसे लूटी गई थी। उनका मोबाइल साथ में कुछ कैश था। घटना को चैलेंज के जैसे लेते हुए DIG सर ने SP साहब ने सभी थाना प्रभारियों को इसमें सुरागरसी करने के लिए और जीरो टॉलरेंस चेकिंग करने के लिए निर्देशित किया। इस चेकिंग की मुहिम में थाना भवर हुआ थाना प्रभारी और उनकी टीम को जानकारी मिली कि 3 इमली ब्रिज के नीचे इसी तरीके की कोई कार खड़ी हुई है जिसमें कुछ संदिग्ध लोग बैठे हैं। तत्काल उनके द्वारा कार को लोकेट किया गया, व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की, जिनके द्वारा उक्त घटना को करना स्वीकार किया गया और उनसे वेपन, कार, मोबाइल ये रिकवर किए गए हैं। इन व्यक्तियों के आरोपियों के इसमें नाम हैं अल्लू उर्फ शाहरुख जो फिरदौस नगर आजाद नगर का रहने वाला है और आकाश पिता बाबूलाल ये भी फिरदौस नगर थाना आजाद नगर का रहने वाला है। इस तरीके से ये थाना भवरपुआ और उनकी टीम जिसमें सब इंस्पेक्टर चैन सिंह, प्रोविजनर सब इंस्पेक्टर राहुल अहिरवार, प्रधान आरक्षक सुमेर सिंह, आरक्षक सुधीर, प्रदीप, अभिनव, संजय, किशोर द्वारा अच्छा क्राइम वर्क किया गया है। सभी लोगों को पुरस्कृत कराया जाएगा। आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। इनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के लिए सभी थानों से जानकारी ली जा रही है। ऐसा जानकारी में आया है कि संभवतः इनके विरुद्ध में एक दो थानों में अपराध पंजीबद्ध है। सर, हाल ही में जो अपराध किया है आरोपियों ने, उन्हें क्या बताया शुरुआती पूछताछ में, क्यों की घटना, क्यों की, क्या लॉजिक क्या था? आरोपी एक तो नशा करते हैं, इस तरीके से व्हीकल वगैरह चुरा कर मौज मस्ती करना उन्होंने जो है बताया।